नमस्कार दोस्तों, मैं सुम्बिका गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने वीरता पूर्वक अपने धर्म की रक्षा की और बलिदान दिया। उनके चार पुत्रों की शहादत आज भी लोगों को स्मृति में बनी हुई है। उनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में शुरू की। बहुत कम लोग गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदान के बारे में जानते हैं। आज हम आपको इसी बलिदान के बारे में बताने वाले हैं। साल 1705 में मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया था। उस समय वे अपने परिवार से बिछड़ गए और उनकी पत्नी माता गुजरी अपने बेटे बाबा जोवर सिंह और बाबा फतेह सिंह को साथ लेकर अपने रसोइये गंगू के साथ उनके घर चले गए। माता गुजरी के पास सोने की मुहरें देखकर गंगू को लालच आ गया और उसने सरहिंद के नवाब वजीर खान के हाथों उन सभी को पकड़वा दिया। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को पूछ की सर्द में रात के ठंडे कमरे में, जिसे बुर्ज कहा जाता है, उसमें बंद कर दिया था। इसी बुर्ज में माता गुजरी ने 3 दिनों तक छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को धर्म की रक्षा के लिए शीश ना झुकाने और धर्म ना बदलने का पाठ पढ़ाया। उस समय बाबा जोरावर मात्र 7 साल और बाबा फतेह सिंह 9 साल के थे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। तब वजीर खान ने उन पर कई जुल्म किए, लेकिन दोनों साहिबजादे अपनी बात पर अड़े रहे। गुस्सा होकर वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। अब दोनों साहिबजादों की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी को मिली तो उन्होंने भी ठंड बुर्ज में अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थान पर छोटे साहिबजादों को चुनवाया गया उस जगह आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना हुआ है। श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे 2 दीवारों में चुनवा दिए गए, जबकि 2 अन्य 6 दिसंबर 1705 को चमकौर की जंग में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 2 बेटों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुहार सिंह को आशीर्वाद देकर जंग में भेजा। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों की मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। गुरु गोविंद सिंह के ये 2 बेटे भी उन शहीदों में से एक थे। तो इसलिए आज के दिन इतना महत्वपूर्ण है सिखों के लिए और इसी की वजह से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज की हमारी जानकारी में बस इतना। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।